ईवी टेक लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सिल्का खाल, सासकंडा और बागसैंण सीरीज़ का पांचवा और आखिरी वीडियो है। दोस्तों, जब हमने अपनी यात्रा शुरू की थी तो सिल्का खाल के हमने नॉर्थ ईस्ट फेस से हमने यात्रा शुरू की थी। हम जो अपवर्ड गए थे वो इसके उत्तर पूर्वी ढाल से हम ऊपर चढ़े थे, लेकिन दोस्तों अब हम नीचे उतरेंगे इसके दक्षिण पश्चिमी ढाल से, साउथ वेस्ट हिस्से से हम जाएंगे और हम सीधा कृतनगर जाएंगे। कृतनगर से वापस हम श्रीनगर होते हुए चौरास पहुंचेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ स्पेशल है, इसमें आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा और ये सरप्राइज़ मिलेगा आपको इस वीडियो के आखिर में। इसमें जो सरप्राइज़ है उसको मैं हिंट दे दूँ, वो इसका जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर था 2.0.0 उससे रिलेटेड है। उसमें इस सरप्राइज़ को जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और इसके लिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको सही वक्त पर इसके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों, इस वक्त हम खूबसूरत सासकंडा गांव से निकल रहे हैं चौरास की तरफ। चलो देखते हैं बैटरी का क्या हाल है इस समय। यहाँ पर इस समय की स्थिति बताता हूँ मैं आपको। इस समय हमारे पास 50% ठीक 50% बैटरी बची हुई है और 27 किलोमीटर की हमने डिस्टेंस तय की है। अभी हमें 27 किलोमीटर डाउनवर्ड जाना है, देखते हैं कितनी बैटरी कंज्यूम होती है। सासकंडा से हम एक डिफरेंट रूट पे आ रहे हैं दोस्तों। जिस रूट से हम आए थे उस रूट से अब नहीं जा रहे हैं, अब हम जाएंगे कीर्तिनगर होते हुए। ये इस रास्ते जाएंगे हम कीर्तिनगर होते हुए। ये देखिएगा, एक डिफरेंट अनुभव लिया जाएगा इस रूट का। हम इको मोड का आनंद लेते हैं। इको मोड में यही है कि इसमें हम 40 से ज़्यादा भाग नहीं सकते और 40 से ज़्यादा वो की रोड ये है भी नहीं, तो हम बैटरी को ज़्यादा बचा पाएंगे। अब मौसम भी बहुत शानदार है, शानदार मौसम है। कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन हमारे पास अपने पूरे इंतजाम हैं। ये गोनीखाल इंटर कॉलेज आ गया है, ये बहुत ही सुंदर जगह में बिल्डिंग भी नई बनी हुई है। अरे वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा, गोनी गाँव जिसके नाम से गोनीखाल पड़ा हुआ है उसी का गोनी। ये जो हम गांव से हमने जो शूट किया, ये गोनी, ये देखिएगा, ये है गोनी गांव। ये देखो गोनी गांव, यहाँ भी लोग देखिए पूरा आनंद ले रहे हैं। सबके अपने वाहन वगैरह वगैरह सब हैं, ठीक ठाक मार्केट भी है ये देखिए, और साथ में एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं। बहुत मज़ेदार रूट है, डिफरेंट रूट से आना चाहिए, वरना ऐसे रूट देखने के लिए आपको मौका कम मिल रहा था। एराड़ी 1 किलोमीटर रह गया दोस्त, ये है एराड़ी गांव। ये देखिएगा, बहुत ही सुंदर गांव है। इधर गांव देखो, ये सिलटॉप पे बहुत सुंदर गांव है। देखिए ये एराड़ी है, कांडी यहाँ से 4 किलोमीटर है। ये है दोस्तों कांडी गाँव, देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ का ये जो रास्ता है, गांव का पूरा नज़ारा हो नहीं पा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरी चट्टान ऊपर से नीचे आ रखी है। और यहाँ पर लोगों ने ये रास्ता दो चट्टानों के बीच में, पता नहीं ये जो चट्टानी हिस्सा है ये हटाया क्यों नहीं गया। ये है दोस्तों कांडी गांव का हिस्सा। ये सामने पहाड़ी पर ये देख रहे होंगे आप, एक रोड है। ये रोड दोस्तों पहाड़ी के अंदर की तरफ जा रहा है, ये शायद धारी ढूंगसर की तरफ जा रहा है। जी हाँ, ये धारी ढूंगसर जा रहा है। बहुत डिफरेंट रूट से आ रहे हैं। जो हमारा पहला वाला रूट था वो ऊपर टॉप पे, देखिए बिल्कुल टॉप पे, और वो हम इस पहाड़ी की दूसरी साइड से, फिलिप साइड से आए थे। और ये देखिएगा, ये नया रूट है, तो हम इस रूट से होके जा रहे हैं। हम सीधा कीर्तिनगर जाएंगे और कीर्तिनगर से फिर जाएंगे चौरास की तरफ। यहाँ पर काफ़ी शार्प डाउन हिल है, यहाँ ऊपर से पत्थर बड़ी तेज़ी से गिरेंगे भाई साहब। ये दोस्तों इको मोड चल रहा है, यहाँ पे हल्की चढ़ाई है देखिए। और हम दो लोग हैं 155-160 kg के साथ, लेकिन इको मोड यहाँ पे काम कर रहा है।
बहुत अच्छे ढंग से काम कर गया दोस्तों। ये देखिए 17, 18, 19 की स्पीड से आराम से निकाल लिया। ये देखो इको मोड की भी टेस्टिंग हो गई। देखो दोस्तों ये जो एक जो शानदार काम की चीज़ आई, इसमें जो चौथा मोड था इको मोड, जो कि जब बैटरी 15-20% रह जाती थी फिर एक्टिवेट होता था, ये उन्होंने पहले ही दे दिया, हम इसको पहले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मुलाना 4 किलोमीटर है यहाँ से भी, मुलाना कोई गांव है शायद। इस रोड पे हम दोनों ही लोग पहली बार आ रहे हैं। उत्तराखंड में ऐसे ही जो अनडिस्कवर्ड जो रूट हैं जिन पे पहली बार जाने का, बहुत सारे रूट हैं क्योंकि लगातार यहाँ पे नए नए रूट्स बन रहे हैं और गाँव को सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। ये देखिए और ये ऊपर से पत्थर भी गिरे हैं, देखिए इको मोड में ही चल रहे हैं। यहाँ पे भी इस चढ़ाई पे देखते हैं दोस्तों चढ़ पाती है या नहीं चढ़ पाती। बिल्कुल पार कर लिया है पार। आज केवल एक समस्या के अलावा, जिसमें कि रेंज का ड्रॉप डाउन आया था, उसके अलावा हमें कोई समस्या नहीं आई, कोई ना पावर लैग आया ना कुछ आया। ये देखिए दोस्तों, लेकिन ये रूट है बड़ा खतरनाक, कभी भी पहाड़ी से पत्थर गिर सकते हैं। क्यों कर रहा साहब नहीं ये देखिए बाप है, माय गॉडनेस, ये देख रहे हो क्या स्थिति है। देखो रो देखिए अभी आपको सामने से दिखाते हैं। देखिए ये देखिएगा दोस्तों, आगे निकलो ये खाई देखिएगा, देख रहे हैं क्या लैंडस्केप है, कितना भयानक नज़ारा है। देखिए हमको तेज़ी से यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से ऐसा धारी ढूंग से उधर को। ये जो सामने वाला रूट है ये भी वहीं मिलेगा जहाँ पे ये रूट मिलेगा कीर्तनगर के पास। आज इको मोड में ही पूरा ड्राइव कर रहा हूँ दोस्तों मैं, देखते हैं कि बैटरी जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पता करेंगे कि बैटरी हमारी कितनी कंज्यूम हुई है। 11 किलोमीटर की उतराई हम उतर चुके हैं। ये है दोस्तों डांग गांव, ये बहुत सुंदर है यार, ये तो हैं बहुत सुंदर गांव है डांग गांव। देखते हैं कि डांग जाएगी शायद, जैसे लग रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, रोड भी वहीं से हो जाएगी शायद। आप यहाँ पहले आए नहीं रखे शायद? अच्छा वहाँ से आए कृतनगर से? हाँ 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 चलो मालूम कर लेंगे क्या क्या है। मज़ा आ गया, ये शानदार मौसम है, ना बारिश है ना धूप है, रिमझिम है रिमझिम का मौसम और बहुत मज़ा। या ये है सफ़र का आनंद, ये होता भाई साहब, यही है सफ़र का आनंद। हमने सही डिसीजन लिया जो इधर से आए, उधर बारिश हो रही है, फिर हमने वो देखा हुआ था ना, हाँ नया इलाका देख के सर अलग ही मजा आएगा। ये मुगाना गाँव है ऊपर। अच्छा ये मुगाना, ये वाला कौन सा रूट है? कांडी 5 किलोमीटर, अरे ये एक डिफरेंट रूट है, इसका पता नहीं। ये गांव के लिए शायद ये ऊपर वाले रूट पे तो नहीं मिल रहा कहीं? अच्छा किसी और गांव के लिए मिल रहा होगा। हम सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं, चलो देखी जाइए क्या पता, हमें उधर ही तो नहीं मुड़ना था। एक मिनट चलो आगे पता चल।
जाएगा। हाँ है ना, कहीं ये हो सकता दारी ढूंसी वाला तो ये जा रहा होगा शायद। हाँ ये जा रहा है। हाँ ना सही जा रहा हूँ शायद। हाँ ये सही है, ये वाला रास्ता जा रहा होगा डांग के लिए। हाँ ये गए। हाँ हाँ और ये धारी ठुंगी भी जाएगा शायद। हाँ गाँव बहुत एक तो ये भी है जी। हाँ ये भी गंगा की धार है। ये ठीक है जी। ये देखिए दोस्तों, अरे नए रास्ते पे आके आपने बहुत अच्छा किया। ये देखो क्या सुंदर दृश्य मिल रहे हैं हमें, ये देखिएगा। अरे वाह 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 क्या बात है। देखिए दोस्तों ये है उत्तराखंड, अतुल्य उत्तराखंड जिसको बोलते हैं। ये देखिए ये सामने शेर रुपनी लगी हुई है, इसको देखने के लिए लोग चाइना के वीडियो देखते हैं दोस्तों। ये देखिएगा ये है वो खेती, देखिए ये पानी की सिंचाई वाली पूरी धान की खेती है। ये देखो ये लोगों ने मेहनत कर रखी है यहाँ पे। वो था शायद मुला ना। हाँ और ये है डांग ऐसा कुछ। हाँ ये कोई गांव है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन दोस्तों कितनी शानदार मेहनत की गई है यहाँ पे। चलो चला जाए। हाँ मज़ा आ गया देख। मनो क्या बोलते हैं, पिंटूपुरी के साथ आए थे। अच्छा अरे वाह देखो दोस्तों आँखों की तृप्ति मिल गई दोस्तों, इतना सुंदर दृश्य देख के आँखों को तृप्ति मिली। अब मैं इको मोड में आता हूँ। इको मोड में आने के लिए दोस्तों ये जो हमारा जो ये मोड बटन है इसको प्रेस करना पड़ता है 5 सेकंड के लिए और ये अपने आप इको मोड में आ जाता है। आप चाहे किसी भी मोड में हो, सिंगल प्रेस करोगे तो वो आगे बढ़ता रहेगा। ये देखिएगा ये है वो मोड बटन जिस पे बिजली का चिन्ह बना हुआ है, करंट का चिन्ह बना हुआ है। अभी तक हमने 14 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। अच्छा यहाँ से पौड़ी का इलाका भी दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ वो टॉप में घुड़दुड़ी दिखाई दे रहा है। हाँ आज इको मोड का पूरा आनंद लिया जा रहा है दोस्तों। मोड की अपनी जो हाइट स्पीड है उसी पे गाड़ी चल रही है लगभग 40 ये देखे ना, ये अंदर का इलाका देखो ये कैसा है ना, बिल्कुल बंद सा। जैसे ही कीर्तिगढ़ में पहुँचेगा तो एकदम इलाका पूरा खुल जाएगा दोस्तों। जिन जिन इलाकों से हम गुजर रहे हैं वहाँ ओला पहली बार जा रही है, पहली बार। अगर यहाँ भी अगर आपने सेंसर लगाया होता तो हर जगह मेरा नाम होता कि ईवीटेक लवर पहली बार यहाँ पहुँची है। गलत जी, इस गाड़ी का नाम ईवीटेक लवर ही है। अच्छा गाड़ी का नाम। हाँ गाड़ी का नाम मॉडल है। मॉडल नहीं है इसको, अपने पास जो मेरे पास ऐप आया ना तो उसमें मेरे को अपनी गाड़ी का नाम होगा। मैंने कहा क्या लिखूँ क्या लिखूँ, मैंने कहा ईवीटेक लवर ही कर दो उसका नाम। तो मैं जब अपना ऐप खोलता है तो उसमें आता है ईवीटेक लवर लॉक्ड या पार्शली लॉक्ड, ईवीटेक लवर सेव। देखिए ये दोस्तों ये पल्ली पार का जो पूरा इलाका है पौड़ी का इलाका है, इस समय हम टीरी में चल रहे हैं और सामने वाला जो इलाका है वो पूरा पौड़ी का इलाका है। ये रामपुर, ये कीर्तनगर के बिल्कुल हम पास पहुंच गए हैं, कीर्तनगर में हम पहुंचने ही वाले हैं। पैनुला गांव, नीचे पैनुला गांव है, ये पैनुला और ऊपर रामपुर, ये ठीक सामने ये रामपुर दिखाई दे रहा है दोस्तों और नीचे पैनुला गांव, ये झुरमुट के बीच में, ये देखिए झुरमुट के बीच में पैनुला गांव, यहाँ पैनुली लोग रहते हैं। ये आ गया दोस्तों, ये कीर्तनगर हम पहुँच ही गए। सामने ये बद्रीनाथ हरिद्वार हाईवे दिखाई दे रहा है, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। और ये देखिएगा गिरगांव है यार, ये गिरगांव नहीं 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 गिरगांव है, गिरगांव आ गया है थोड़ा गिरगांव। गंगा दर्शन बैंड से कितना, गंगा दर्शन बैंड के ऊपर कोई गांव है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा कौन ये वाला ऊपर वाला। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा जरा रुक के देखते कि कितनी हमारी बैटरी ख़त्म हुई है।
और यहाँ पर देखिए कृतनगर ब्रांड है, ये सामने रामपुर का इलाका है, ये भी शायद रामपुर ही होगा नीचे। हाँ ये रामपुर ही है। हाँ ये कृतनगर का इलाका है, ये देखे लोगों ने अपनी छत पे पार्किंग बना रखी है, बहुत सुंदर। और ये कृतनगर, ये सामने ये इंटर कॉलेज है ना शायद? ये इंटर कॉलेज है, उसी के बगल में तहसील है शायद, ये तहसील है। हाँ ये देखेगा ये, और ठीक नदी के पल्ली पार ये बिलकदार का एरिया दिखाई दे रहा है जो कि पौड़ी में पड़ता है। ये पूरा बिलकदार आगे और आगे जाके एक जगह सैमफोर्ड स्कूल है, वो जो सामने दिखाई दे रहा है देखिए सैमफोर्ड स्कूल है। ये पूरा पौड़ी का इलाका है देखिए, और ये सामने जहाँ पे ये मंदिर सा दिखाई दे रहा है, ये गंगा दर्शन मोड़ है ना? हाँ ये गंगा दर्शन मोड़ है, ये देखिएगा। और चलिए वो पीछे वाला जो गाँव है उसका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ यार सही बोल रहे हो, वो गिरगांव ही है वो। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि सस्पेंस से पर्दा हटाया जाए। चलो दोस्तों पर्दा हटाते हैं, अब देखते हैं दोस्तों बैटरी का हिसाब किताब, देखते हैं कि बैटरी कितनी रह गई है। 50% ही कुछ भी खर्ची बैटरी खर्ची नहीं हुई दोस्तों, 45 किलोमीटर की डिस्टेंस देखिए तय हो गई है। 50% बैटरी थी और 50% ही रह गई है, इस दौरान हम 18 किलोमीटर चले हैं। ये देखो दोस्तों है ना न्यू सॉफ्टवेयर का कमाल, देखो 18 किलोमीटर चलने में 1% बैटरी भी खर्च नहीं हुई। दोस्तों ये वीडियो 2 जुलाई 2022 को रिकॉर्ड किया गया था और आज 7 जुलाई हैं। दोस्तों इसके बाद उस दिन हम लगभग 12 किलोमीटर और चले थे और उसमें 11% बैटरी खर्च हुई थी, उसमें हमने थोड़ी देर स्पोर्ट्स और हाइपर मोड का भी इस्तेमाल किया गया जिसमें हम हाई स्पीड 89 किलोमीटर तक ले गए थे। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और दोस्तों हाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर अपनी राय देते रहिए।